बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके दस्तरखान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यार से कश्मीरी चाय बनाने जा रहा हूँ, नहायत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ली है 2 कप कश्मीरी चाय, साथ में लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, हरी इलायची है, बादियान के फूल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम पैन में डालेंगे पानी। 4 कप मैं पानी के ले रहा हूँ। तो ये देखें, 4 कप हो चुके हैं और गैस हमने ऑन कर दी है। अब इसमें डाल देंगे हम ये हरी इलायचियाँ और बादियान के 2 फूल। तो जैसे ही पानी में आ जाएगा बॉयल, इसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी चाय। अब कश्मीरी चाय के बारे में ख़ास बात ये, इसकी आप लुक देख लें, ये कितनी माशाल्लाह से फ्रेश है। यही क्वालिटी की आपने लेनी है। अगर कहीं से बिल्कुल वो बूढ़ा सा या पिसा हुआ सा आपको कुछ मिल जाए तो वो आपने नहीं लेना। ओरिजिनल क्वालिटी की आपने चीज़ लेनी है, जब भी लेनी है। तो हम इसको करेंगे बॉयल, अच्छे से पकाएँगे इस पत्ती को और तेज़ आंच के ऊपर आपने पकाना है। तो ये देखें, अच्छी पत्तियों की निशानी ये है कि ये खुल जाती हैं और बड़े साइज़ की हो जाती हैं। अगर ये क्वालिटी लो होती तो ये पानी में मिक्स हो जानी थी। तो इसको तेज़ आंच के ऊपर हम पकाएंगे अच्छे से, और बॉयल ज़्यादा ना आए, पानी बाहर ना निकले, इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे ऐसे। तो ये देखें आप, बहुत अच्छे से कलर आना शुरू हो गया। अभी ये ग्रीन कलर ही है, तो इसको हम सुखा लेंगे। 4 कप मैंने पानी के ऐड किए थे और ऑलमोस्ट 2 कप इसमें रह गए हैं, ये देखिए आप। तो जब 2 कप रह जाएं, उस वक्त आपने ठंडा पानी, फ्रिज का पानी ले लें और 2 कप ही इसमें पानी के ऐड कर देंगे। ये लें जी, 2 कप हमने ठंडे पानी के ऐड कर दिए। ठंडा पानी ऐड करने से कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसको मज़ीद पकाएँगे तेज़ आँच के ऊपर, और पानी में देखें बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। तो तेज़ आंच पे बनाएं, वरना आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हल्की आंच पे पकाएं। तो यहाँ पे जब बॉयल आ जाए दूसरी दफ़ा, मतलब हमने पानी ऐड कर दिया, तो ये है हमारे पास खाने का सोडा, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। और आपने डरना नहीं यहाँ पर, ये देखिए अभी हमारे ये 4 कप ही हैं। हम इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने 4 कप लिए थे और उसमें पत्ती और बादियान के फूल, हरी इलायची डाल के पकाया। जब वो 2 रह गए तो फिर उसमें 2 ठंडे पानी के मैंने कप ऐड किए। तो अभी ये 4 कप ही हैं, लेकिन हम इसको पकाएंगे काफ़ी और दोबारा इसको वापस 2 कप या उससे कम कर लेंगे। और कलर अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल आएगा, 1% भी मेरे अल्लाह की शान, मैंने नहीं ऐड करना इसमें आर्टिफिशियल, लोग करते हैं, मैं नहीं करूंगा। और आप देखिएगा कि माशाल्लाह माशा कलर आएगा आपको, जहाँ के ऊपर हल्का सा पिंकिश शेड फील हो रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी डार्क है। तो यहाँ पे ये देखें 2 कप से कम रह गया, तो ये तैयार है। उसको करते हैं साइड पे, और यहाँ से हम लेंगे 2 मग दूध के ओरिजिनल, मतलब पानी के बगैर गाढ़ा, और उसको अच्छे से मैंने पका लिया। अब इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, तो मैं इसमें डालूँगा 2 से 2.25 चम्मच चीनी के। आप कम यूज़ करते हैं कम डालें, लेकिन इसमें कम चीनी अच्छी नहीं लगती। दूध को मैंने अच्छे से पका के ना गाढ़ा कर लिया है, ये पतली अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए आपने दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। और चीनी मिक्स करने के बाद, अच्छे से बॉयल आने के बाद, मैं इसमें ऐड करूँगा जो मैंने ग्रीन टी निकाल के रखी थी। ये देखें, इस जग को मैंने ड्राई करके अच्छे से इसमें डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत लाइट पिंक कलर आ चुका है। और यकीन करें कि मैंने इसमें 1% भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया, और माशाल्लाह नेचुरली इतना अच्छा कलर आया, क्योंकि हमारा मेथड अच्छा था। तो ये देखें, अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखें बहुत ही खूबसूरत कलर कश्मीरी चाय का हमारे पास है। इसके ऊपर हम डालते हैं कटा हुआ पिस्ता, और पिस्ता इसमें बेस्ट लगता है। कुछ लोग आलमंड ऐड करते हैं, बादाम, लेकिन मुझे पिस्ता पसंद है, तो मैं इसमें पिस्ता ही ऐड करूँगा। देखें आप इसकी लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। आपके घर आएँ गेस्ट और आप उनके सामने ये रखें, तो वो एक दफ़ा खुश हो जाएंगे और उनके मुँह में आ जाएगा पानी कि आपने उनको कश्मीरी चाय सर्व की। तो ये देखें,
बहुत ही प्यारा कलर है और ख़ूबसूरती देखें पिस्ता डालने से कितनी आ गई है। तो ये है आप सब के लिए, आप सब की मोहब्बत के लिए। आप इतना सराहते हैं हमारे काम को और तारीफ़ करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में इजाज़त से ज़रूर पूछिएगा, मैं दूंगा आपके हर सवाल का जवाब। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए इजाज़ को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।